हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, कि बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन क्या होगी। जस्ट मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कि एक सिंपल बेल्ट ड्राइव का डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है। नीचे की तरफ जो टेंशन होगी वो टाइट साइड है, ऊपर की तरफ स्लैक साइड है। अब हमें पता है कि जो बेल्ट ड्राइव में जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, अगर हम बात करें मैक्सिमम टेंशन, तो वो क्या होती है? ऑब्वियसली T1 होती है। तो यहाँ पर भी हम जो बात कर रहे हैं मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, वो क्या होगा आपका? यहाँ पर T1 होगा। अब उसी को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जस्ट अगर हम देखें कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ आपको। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, यहाँ पर फोर्स क्या है? जो इनके अंदर टेंशन है वो यहाँ पर फोर्स है, तो इसको हम T भी लिख सकते हैं। एरिया क्या होगा? बेल्ट का एरिया, जो ये बेल्ट लगी हुई है उस बेल्ट का एरिया, वो क्या होगा? विड्थ इंटू उसकी थिकनेस। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बी इंटू टी। बी क्या है? विड्थ ऑफ द बेल्ट। टी क्या है? थिकनेस बेल्ट की। क्लियर? स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को डिनोट कर दिया मैंने सिग्मा से। क्लियर? तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ टी निकालने की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो टी क्या निकल के आ रहा है? सिग्मा मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई टी, ये निकल के आ रही है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। और मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट क्या होती है? T1 होती है। मतलब कि T क्या होगा? T1 के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर T इज इक्वल टू T1। ये क्या है? मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, जो हमारा कैपिटल T है वो है आपका मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। क्लियर? अब ये बात हुई जब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को काउंट करके चले तो कंडीशन क्या हो जाएगी? T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। मैंने बताया था कि जब भी अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्वेश्चन में गिवन है या हमें लेकर चलना है उसे, तो हम उसको सिंपली ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया है? T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काउंट करिए और अगर नहीं करिए तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगी? टाइट साइड में जो टेंशन है उसके बराबर होगी। T1 क्या है? टाइट साइड में टेंशन। क्लियर? तो ये जनरली एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ये अभी आगे काम में आएगा। क्लियर? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। तो अगर हम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी। T1 क्या है? टेंशन इन टाइट साइड, T2 टेंशन इन स्लैक साइड, और V वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये हम पहले देख चुके हैं, इसको जस्ट अभी यूज़ आएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देती हूँ। एक और फॉर्मूला हमने देखा है प्रीवियस वीडियोस में, T1/T2 रेशियो ऑफ टेंशंस। ठीक है, ये क्या होता है आपका? E^2 μ θ। ये भी हम देख चुके, डिराइव कर चुके हैं इसका पूरा डेरिवेशन, तो मैं उसको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ। तो हमें करना क्या है? मैक्सिमम कंडीशन क्या देख रहे हैं हम? कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर, उसकी कंडीशन हम देख रहे हैं। तो हमें पावर के फॉर्मूला में कुछ ना कुछ चेंज करना है। अब पावर के फॉर्मूले में क्या है? T1 भी है, T2 भी है। तो या तो इसको पूरा आप T2 में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको पूरा T1 में कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ? इस वाली इक्वेशन 3 से मैं यहाँ पर T2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। इक्वेशन 3 से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? T1/E^2 μ θ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? यही बन रहा है। अब इस वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, तो कंडीशन क्या बन के आएगी मेरे पास में? कंडीशन बन के आएगी P इज इक्वल टू T1 ऐसे का ऐसे ही, माइनस T2 की जगह मैं रखूँगी T1/E^2 μ θ E^2 μ θ। क्लियर? और वेलोसिटी ऐसे का ऐसे जो चल रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं T1 को कॉमन ले लूँ तो क्या कंडीशन बनेगी? T1 कॉमन ले लिया तो कंडीशन क्या बनेगी? 1 - 1/E^2 μ θ, और वेलोसिटी क्या चल रही है? साथ में चल ही रही है। क्लियर? अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ये लिख सकती हूँ T1, और जो ये पूरा टर्म है 1 - 1/E^2 μ θ, इसको मैं कांस्टेंट ही है, ये एक सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है इसमें, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर C से डिनोट कर देती हूँ, जो शो कर रहा है कि C किसके बराबर है? इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है। तो वेलोसिटी ऐसे का ऐसे ही और C आप ऐसे का ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा साथ में। क्लियर? तो C क्या है यहाँ पर? 1 - 1/E^2 μ θ। क्लियर? इसको आप साइड में कहीं पे शो भी कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C इज इक्वल टू
वन माइनस वन अपॉन एस टू पावर म्यू थीटा, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमारे पास में पावर का क्या फॉर्मूला निकल के आया अभी के लिए, ये निकल के आया है टी वन वी सी, क्लियर। अब इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन वन क्या कह रही है, टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी सी। तो यहाँ से अगर मैं टी वन की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकल के आएगी, इस वाली इक्वेशन से मैं अगर टी वन की वैल्यू निकालूँ तो टी माइनस में टी सी हो जाएगा, टी सी उधर चला जाएगा, तो टी माइनस टी सी हो गया। ये वाली वैल्यू को मैं पुट करूँगी यहाँ पर, इसको भी आप एक इक्वेशन का नाम दे सकते हो अगर देना चाहो तो, क्लियर, या डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर लो। तो टी वन की जगह क्या लिखेंगे हम, टी माइनस टी सी, क्योंकि यहाँ पर टी माइनस टी सी निकल के आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वी ऐसे का ऐसे ही, सी ऐसे का ऐसे ही, आगे बात समझ में। अब टी सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर। जब हमने पहले वीडियो बनाया था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किस तरीके से निकाले, तब मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, टी सी की जगह रखेंगे यहाँ पर एम वी स्क्वायर, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, वी ऐसे का ऐसे ही, सी ऐसे का ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी वी माइनस एम वी क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर पहले ही था और सी कांस्टेंट, ऐसा कैसे साथ में हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को, क्लियर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल दो, मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 डाल देती हूँ। आई होप यहाँ तक कोई समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्या चाहिए, हम क्या निकाल रहे हैं अभी, कंडीशन निकाल रहे हैं जबकि पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारे पास में ये पी की वैल्यू आई है इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वी, और इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जो मैथमेटिक्स हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसी का कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 मैक्सिमम पावर, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, 4 मैक्सिमम पावर क्या करेंगे, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम करेंगे अभी, ठीक है। पावर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो कर देते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी वी, पावर क्या निकल के आई है, टी वी माइनस एम वी क्यूब, सी ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मुझे यहाँ पर करना है, ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी वी टी वी, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे तो सिर्फ टी बचेगा, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ टी माइनस एम वी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर माइनस वन ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो मैं इसको डिटेल में फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए अगर आप यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो, तो थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पहले के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, क्लियर। तो हम यहाँ पर करेंगे इसको 3 एम वी स्क्वायर, ये सिंपल डिफरेंशिएशन किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, और कौन सी क्या है, कॉन्स्टेंट है तो उसका तो ज़ीरो होगा, तो मैं उसको लेकर ही नहीं चल रही हूँ साथ में, ठीक है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें कोई वी नहीं है यहाँ पर, तो उसको रहने दो, इज इक्वल टू ज़ीरो जो चल रहा है वो चलने दो। तो क्या सॉल्व करने पे क्या आ रहा है इसका, मैं थोड़ा सा पेपर को थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, टी इज इक्वल टू 3 एम वी स्क्वायर, ये बन रहा है, क्लियर, टी इज इक्वल टू 3 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, देखो टी 3 एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, टी सी लिख सकते हो। तो मेरे पास में ये इक्वेशन निकल कर आई है। अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और टी सी इज इक्वल टू टी अपॉन 3, इस तरीके से लिख सकते हो। तो फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन 1/3 पावर क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, तो ये कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूलाज जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें काम आएंगे, और सीधा सीधा आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखते हैं, जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में क्या निकल के आया, टी वन इज इक्वल टू टी माइनस टी सी। अब इसी को मैं आगे लिख सकती हूँ उस तरीके से, जब अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रहा हो तो टी सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, निकल के आया इक्वेशन नंबर 5 में टी अपॉन 3, तो क्या बन के आ रहा है, ये टी वन इज इक्वल टू 2 टी अपॉन 3। ये कब बात कर रहे हैं, जब
मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रही है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, हर का यूज़ नहीं करना है, फोर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, पीटी मतलब पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तब हम यूज़ करेंगे T1, जो हमारी टाइट साइड में टेंशन है वो क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम टेंशन अपॉन में 3, क्लियर। एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं इससे, जो इक्वेशन नंबर हमारी ये वाली, जिसको हमने इक्वेशन नहीं दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे सकते हो। तो T-3 mv² इज इक्वल टू 0, इससे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन 6 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो टी इज इक्वल टू 3 mv² बन रहा है। तो वी स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टी अपॉन 3m, और अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 3m। ये निकल के आएगी, v क्या है हमारी वेलोसिटी है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 3m, क्लियर। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। जब भी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा तो उस केस में वेलोसिटी क्या है, ये है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, क्लियर। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा, बहुत सिंपल समझाया है, कोई इसमें कोई लेंदी चीज़ नहीं है, बस जस्ट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम टेंशन होती है बेल्ट में वो किसके बराबर होती है, टाइट साइड के बराबर होती है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करी थी, और फिर जब हम पावर ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम कंडीशन देख रहे थे तो उसमें मैंने क्या किया, जनरली ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, एंड देन सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी है। तो अगर कोई भी डाउट होता हो, कुछ होता हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो आगे वो भी मुझे आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो।